नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देनी है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण आदेश हुआ है, आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों में जो निजी स्कूलों में जो अध्यापक हैं अब वो परमानेंट होंगे और उनको कम से कम 15,000 पर मंथ सैलरी देनी होगी। 15,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी और प्रबंधक प्रिंसिपल उन्हें नहीं निकाल सकते हैं, सब कुछ बीएससी के अधीन होगा। यह बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी सूचना है। अब उन्हें ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता था कि 2 महीने 3 महीने अध्यापक पढ़ाते थे, उसके बाद स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें किसी भी कारणवश निकाल दिया जाता था, तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो प्रभावित होते थे, उनकी टीचिंग नहीं हो पाती थी सही से, तो वो प्रभावित होते थे। तो अब प्राइवेट स्कूल अध्यापकों को नहीं निकाल सकते हैं उस, और कितने अध्यापक हैं, उनकी क्या डिग्रियां हैं, ये सब आपको बीएससी को देना होगा और सब कुछ बीएससी के अधीन होगा। प्रबंधक और प्रिंसिपल उन्हें नहीं निकाल सकते और कम से कम सैलरी जो होगी 15,000 पर मंथ होगी, देनी पड़ेगी। आइए हम देखते हैं, आप लोग देखिए ये आज का पेपर में निकला हुआ है, कहलाएंगे पूर्णकालिक शिक्षक, मिलेगा न्यूनतम 15,000 वेतन। अब अंशकालिक नहीं रहेंगे, 15,000 वेतन मिलेगा और पूर्णकालिक शिक्षक ये लोग कहलाएंगे। निजी स्कूलों के शिक्षक को नौकरी अब पक्की होगी और यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है कि यूपी के निजी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों में अब अंशकालिक का ठप्पा हट जाएगा, अंशकालिक शब्द की जगह अब पूर्णकालिक होगा। इसके बाद शिक्षक को निकालना भी आसान नहीं होगा, प्रबंधक को निकालने का कारण ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को बताना होगा, भर्ती किए गए शिक्षकों का पूरा ब्यौरा देना होगा, इन शिक्षकों का सेवा अनुभव और भी जोड़ा जाएगा, स्कूल प्रबंधन और DIOS संयुक्त अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। निजी स्कूलों के शिक्षक कि सेवा नियमावली में कई ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जोड़े जाए हैं जिससे वह मजबूती के साथ नौकरी कर सकेंगे। यही नहीं, 15,000 रुपये वेतन स्कूल को देना होगा, कम से कम 15,000 देना होगा वेतन। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नियमावली के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि सेवा नियमावली में एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी सूचना, एक बहुत बड़ी जानकारी है, अब परमानेंट होंगे और कम से कम 15,000 सैलरी देनी होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।